तो भाई पहले तो बात करेंगे प्रॉमिस की जो कि किया है रियलमी ने। रियलमी ने ऐसा बताया है कि हर महीने उनको एक नया फ़ोन छोड़ना है, वो जैसा भी हो लेकिन छोड़ना तो छोड़ना है। और इसके लिए आज लीक्स आ गए, लॉन्च होने वाले हैं 9th जनवरी को रियलमी 5i। तो ये इसमें क्या है, क्या कुछ है, इस वीडियो में बात करेंगे। और इसको जानने के बाद लगेगा कि क्यों, आखिर क्यों ये फ़ोन लॉन्च किया गया है। तो इस सब के बारे में जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि रियलमी ने प्रॉमिस किया कि हर महीने एक फ़ोन तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो बजट सेगमेंट में हो या फिर हायर सेगमेंट में। लेकिन इस बार बजट सेगमेंट में छोड़ा है, जो कि है रियलमी 5 भी बोल सकते हैं। जी हाँ, 5i नहीं बोल के उसको 5 भी बोल सकते हैं। ऐसा क्योंकि वही फ़ोन है, सिर्फ थोड़ा सा डिजाइन में, डिजाइन तो क्या, सिर्फ पीछे वाला बैक पैनल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है और थोड़ा मोटा छोटा मोटा चेंजेस करके उसको 4GB 64GB नहीं 3GB वर्जन में छोड़ दिया है। और ऐसा कह सकते हैं कि रियलमी 5 को ही डब्बा चेंज करके रियलमी 5i करके छोड़ दिया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 9th जनवरी को। जी हाँ, अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका टीज भी आ चुका है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये जनवरी को मिलने वाला है, 9th जनवरी को। प्राइस क्या होगा, तो प्राइस पहले से बताता हूँ कि 8000 इसका प्राइस रखने वाले हैं। तो ऐसा ही शायद से 8000 ही हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो ये मार्केट में नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा स्पेक्स की बात कर लेते हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको रियलमी 5 पता है आप देखें, नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। रियलमी 5S में थोड़ा कैमरा चेंजेस है, अदरवाइज रियलमी 5 भी वही सेम दिखता है। तो ये दोनों फ़ोन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं देखे तो जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं, इनका सबका वीडियो मिल जाएगा। वही सेम दिखने वाला है, सिर्फ डिजाइन में जो डायमंड कॉट रहता है वो इस बार पीछे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रियलमी का U1 सीरीज था उसी की तरह कुछ डिजाइन देखने को मिल सकता है। फैशन की बात करें तो जो रियलमी 5 में आपको देखने को मिल रहा था वही सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें और हाँ, डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और प्रोसेसर की बात करें तो वही क्वालकॉम का 665 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। रैम रोम की बात करें तो 3GB 32GB मॉडल है ये, और इसका 4GB भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 4GB आएगा तो रियलमी 5 फिर कौन खरीदेगा। क्योंकि रियलमी 5 का 2-3 वर्जन आते हैं, 3GB 32GB और 4GB 64GB आते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही वर्जन आएगा, 3GB 32GB। और प्राइस तो जैसे बता दिया। और कैमरे की बात करें तो वही सेम है जो कि आपको रियलमी 5 में मिलता है। जी हाँ, 5S में नहीं, 5S में तो आपको 48MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको रियलमी 5 में जो देखने को मिलता है वही सेम मिलता है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, जो प्राइमरी कैमरा है 12MP का, उसमें आपको रियलमी 5 में बताया नहीं गया था, लेकिन इसमें बताया गया है सोनी का IMX386 वाला सेंसर देखने को मिलेगा। और ये वही कैमरा सेंसर है जो कि आपको रेडमी के 8 सीरीज 8A में और 8 में आपको देखने को मिल जाता है। तो कैमरे में थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, क्योंकि पिछला जो रियलमी 5 था वहाँ पे बताया नहीं गया था, मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो एज कम्पेयर टू रियलमी 5 थोड़ा सा अच्छा बेटर कैमरा हम बोल सकते हैं। और बाकी चीज़ की बात करें तो बाकी भी वही सेम है, वही सामने की 13MP कैमरा मिलेगा सेल्फी का। उसके बाद बैटरी की बात करें तो 5000mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगा। भी आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा विथ डुअल सिम। जी हाँ, 2 सिम और साथ साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। और कनेक्टिविटी बात करें तो यहाँ पे भी आपको वही माइक्रो एसडी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको टाइप सी देखने को नहीं मिला, तो लगभग पूरा सेम है रियलमी 5 का। यहाँ पे रियलमी को फोन लॉन्च करने का कुछ नहीं मिला, तो ऐसा कर सकते हैं कि रियलमी 5 को 1000 रुपीज कट कर देते, क्योंकि जो ये वाला मॉडल है रियलमी 5 का जो आता है वो आपको यहाँ पे 9000 में देखने को मिल जाता है, 3GB 32GB मॉडल रियलमी 5 का। तो ऐसा कर सकते 1000 रुपीज का परमानेंट कटअप करके 8000 रुपीज में उसको छोड़ देते, वही सेम काम हो जाता। पता नहीं क्यों ये और एक लॉन्च हो रहा है, वो जब आएगा तो पता चलेगा क्या चेंजेस है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ये वियतनाम में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आज ही लॉन्च हुआ है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर टीज भी आ चुका है कि ये आने वाला है इंडिया को 9th जनवरी को, तो इससे तो पता चलता है वही सेम वर्जन आने वाला है, सेम मॉडल आने वाला है। हाँ, उसमें जो प्राइस है वियतनामी प्राइस के अप्रॉक्स देखेंगे तो 11000 हो जाता है, लेकिन जो इंडिया में ये आएगा तो आपको 8000 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा था कि क्यों 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 आखिर क्यों, क्योंकि रियलमी 5 जो है उसका 3GB 32GB मॉडल सेम टू सेम ये रियलमी 5i है, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपको 6 सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए ये एक छोटा सा लॉन्च कर रहा है रियलमी, आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो रियलमी 5 भी खरीद सकते हैं, 5S भी खरीद सकते हैं, सेम प्राइस में लगभग आसपास आ जाते हैं। और रियलमी 5 का जो 3GB 32GB मॉडल है वो 9000 रुपये में आपको मिल जाता है, और ये जो लॉन्च होने वाला है ये शायद से 8000 रुपये में लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए बता रहा था कि अगर ऐसा ही करना था तो
ये फोन लॉन्च ही नहीं करते, उसमें 1000 रुपीज कटअप कर देते, वही सेम हो जाता। तो आपको क्या लगता है, कॉमेंट सेक्शन जरूर से बताना, रियलमी 5i जो कि 9th of January को लॉन्च होने वाला है वो खरीदना चाहते हैं, या फिर रियलमी का 5 या फिर 5s से और 1000-2000 रुपये ज़्यादा देके वो मॉडल खरीदना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन से जरूर से बताना, क्योंकि ये सेम ही मॉडल है। तो आपको क्या लगता है, इसका लॉन्च होना जरूरी था, या ये अगर नहीं भी होता तो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता रियलमी का, या फिर कुछ जरूरत ही नहीं था रियलमी 5i का लॉन्च होना, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये एक छोटा सा वीडियो था रियलमी 5i के बारे में, जैसा था बता दिया आपको, मुझे तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा, और जैसे पूछा कि आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो भी लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 पहुँचा दीजिए इसको। और मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।